अच्छा लगता है जब आपके कस्टमर्स आपके काम की तारीफ करते हैं। कहते हैं कि एक हैप्पी कस्टमर 3 और कस्टमर से आपकी सिफारिश करता है। नमस्ते, मेरा नाम है रोशन और मैं एक फॉल सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर हूं। मेरे कॉन्ट्रैक्टिंग करियर के 3 सिद्धांत हैं जिन्होंने मुझे तरक्की के इस मुकाम पर पहुंचाया है। पहला, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी। दूसरा, गति यानी स्पीड। और तीसरा, सुरक्षा यानी सेफ्टी। और इन 3 सिद्धांतों को ध्यान में रखकर काम करने पर हम आसानी से कमा सकते हैं मुनाफा। चलिए मैं आपको विस्तार से इसके फायदे समझाता हूं। पहला फायदा, ज्यादा स्पीड यानी हमारे समय की ज्यादा बचत। अब आप उसी काम को 40% तेजी से कर सकते हैं। दूसरा फायदा, समय की बचत यानी अब आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। ज्यादा प्रोजेक्ट्स मतलब ज्यादा मुनाफा। और तीसरा फायदा, कम से कम वेस्टेज। अब इससे हमारा वेस्टेज भी ना के बराबर ही होगा जिससे हमारा मुनाफा और बढ़ जाएगा। पहले सीलिंग बनाने के लिए हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती थी, पर अब नहीं। तो अब सेंट गोबिन जिप्रॉक पेश करते हैं जिप फ्रेम प्राइमा, जिसमें है इंटरचेंजेबल कंपोनेंट्स, आधुनिक क्लिक टू लॉक तकनीक और सुपीरियर क्वालिटी का भरोसा। तो चलिए देखते हैं इस नए जिप फ्रेम प्राइमा को इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसके फायदों को अच्छे से समझते हैं। जिप फ्रेम प्राइमा सीलिंग सिस्टम के 4 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं। पहला, जिप फ्रेम प्राइमा मास्टर सेक्शन। ये प्राइमा का प्रमुख सेक्शन है जिसको हम सीलिंग सेक्शन और इंटरमीडिएट दोनों की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जिप फ्रेम प्राइमा मास्टर एंगल। इस स्पेशल मास्टर एंगल को हम सीलिंग एंगल और पेरीमीटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, जिप फ्रेम प्राइमा कपलिंग ब्रैकेट। इसकी मदद से हम 2 मास्टर सेक्शंस को जोड़ सकते हैं। चौथा, जिप फ्रेम प्राइमा पेरीमीटर चैनल। ये एक ऑप्शनल पेरीमीटर चैनल है। सबसे पहले सीलिंग की ऊपरी दीवार से लेवल मार्किंग करनी होती है। पहले किसी एक दीवार के कोने से वाटर लेवल या लेजर मार्किंग की मदद से फॉल सीलिंग की लाइन खींचें। अब लाइन डोरी की मदद से चारों दीवारों पर मार्किंग कर लें। सबसे पहले जिप फ्रेम प्राइमा पेरीमीटर चैनल को उपयुक्त फास्टनर से दीवार पर फिक्स करते हैं। अब रॉल प्लग की पोजीशन को सीलिंग पर मार्क करना शुरू करें। रॉल प्लग की दूरी दोनों ही दिशाओं में 1220 मिलीमीटर होनी चाहिए। दोनों लाइंस जहां एक दूसरे से मिलती हो उन बिंदुओं पर 8 mm का होल बनाएं। जिप फ्रेम प्राइमा मास्टर एंगल को जरूरत के अनुसार माप कर काट लें। इसके एक सिरे को बीच में से काट कर एक दूसरे पर मोड़ दें। अब 8 mm का ड्रिल लेकर इसमें होल करें। अब इसे काट कर मोड़े हुए मास्टर एंगल को जिप्रॉक रॉल प्लग की मदद से फिक्स कर दें। अब हम प्राइमा मास्टर सेक्शन को इंटरमीडिएट की तरह इस्तेमाल करेंगे। वाटर लेवल की सहायता से मास्टर सेक्शन का लेवल निश्चित करें और उसे छत से लटकाते हुए मास्टर एंगल से 2 मेटल टू मेटल स्क्रू लगाते हुए जोड़ दें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि मास्टर एंगल पेरीमीटर चैनल के ऊपर आकर बराबर बैठना चाहिए। अब हम प्राइमा मास्टर सेक्शन को सीलिंग सेक्शन की तरह इस्तेमाल करेंगे। प्राइमा मास्टर सेक्शन को पहले फिक्स किए हुए प्राइमा मास्टर सेक्शन के नीचे 90 अंश का कोना बनाते हुए
कपलिंग ब्रैकेट की सहायता से फिक्स करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी भी दो मास्टर सेक्शन के बीच की दूरी 457 मिलीमीटर से कम या अधिक ना हो। अब अपने सीलिंग फ्रेमवर्क का बारीकी से निरीक्षण कीजिए। सारे चैनल्स एक लाइन में और ठीक लेवल पर होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अंतिम चरण की तरफ, यानी के बोर्ड फिक्सिंग की तरफ। 6x4 फीट जिप्सम बोर्ड की मदद से बोर्डिंग करना शुरू करें। अब 25 मिलीमीटर का ड्राईवॉल स्क्रू लेकर बोर्ड को फिक्स करें। दो ड्राईवॉल स्क्रू के बीच की दूरी पेरीमीटर पर फिक्स करने के लिए 150 मिलीमीटर और सीलिंग सेक्शन पर 230 मिलीमीटर होनी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि बोर्ड की लंबाई प्राइमा मास्टर सेक्शन से 90 अंश का कोना बनाना चाहिए। तो लीजिए, आपका मजबूत और टिकाऊ फॉल सीलिंग बनकर तैयार हो गया है ना? बिल्कुल आसान। तो अब इंतजार किस बात का है? आज से ही जिप फ्रेम प्राइमा के साथ अपनी तरक्की की राह पर निकल पड़िए। हाँ राहुल जी, अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। जिप फ्रेम प्राइमर, द न्यू ब्लू मेटल टेक्नोलॉजी।